अभी लोगों से, कुछ लोगों से, जो बुद्धिजीवियों से चर्चा करने के बाद ये हम लोग निर्णय पर पहुंचे हैं कि यहाँ का कलेक्टर और यहाँ का प्रशासन जनता का नहीं है। यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का प्रशासन केवल विधायक और सांसद का है। और हमारे, हम जो टैक्स पे करते हैं, हम लोग जो सामान खरीदते हैं, उसके हमारे पैसे से जो उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो हमारे जो है वो सेवक नहीं है, केवल विधायक और सांसद हो गए हैं। तो हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि ये ज्ञापन बाबा भीमराव अम्बेडकर ऊपर चढ़ा करके, और हम जाते हैं और ये कहना चाहेंगे इनसे कि इनको जो है आने वाले समय में इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे, और हम ये कहेंगे कि इन लोग ऐसे जो प्रशासन को जो है यहाँ रहने लायक तो नहीं है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप लोग? बिल्कुल सही। जब अंधी बहरी गोरी गूंगी सरकार के साथ साथ में प्रशासन हो जाए, तो फिर इनके सामने जो है हम लोग को घुटने नहीं टेकना चाहिए। और ये भी चेतावनी देते हैं कि जब आज अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारे सीधी जिले के लोग जो गरीब दलित और जो ओबीसी के लोग जो है और दबे कुचले लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आइंदा भविष्य में अगर इस तरह से अत्याचार होगा तो पूरे सीधी जिले में जो है हम लोग तहलका मचा के दिखाएंगे। और हम ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जवाब चाहेंगे उस प्रकार से जवाब हम लोग देने के तैयार रहेंगे। तैयार है कि नहीं है? और ये जो निर्णय लिया गया है कि ज्ञापन को अब सरकार को सौंपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गुंडों को सुरक्षा देने वाली सरकार है प्रशासन। ये प्रशासन जो है आरोपियों को सुरक्षा देने वाली सरकार प्रशासन है। तो हम लोग इनके सामने जो घुटने टेकने वाले नहीं है, अब ज्ञापन इनको नहीं देंगे। सही है कि गलत है? सही है। ठीक है ना? बिरला मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप लोग सहमत है? हेलो, जैसे देख सकते हैं आप चैम्बर बैठिए, सम्मान से बैठिए, आप चर्चा कर लीजिए, जो भी चर्चा करना चाहिए करने के साथ तैयार है। सर बात करेंगे, रीजन क्या है कि साहब बाहर नहीं आ रहे सर? प्लीज आप लोग लगातार बने रहिए, प्रशासन के द्वारा क्या रिप्लाई आ रही है आप लोग जरा सुनिए। तो जितना किया जाए आप अपना ज्ञापन ले लीजिए, आप समय ले लीजिए, सभी लोग जितने लोग हैं सब बैठ चर्चा कर लें, और आपके लिए ही प्रशासन काम कर रहा है, सभी के लिए कर रहा है, सारे वर्गों के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा है, सुनिए, और जिद ना किया जाए। जिद नहीं कर रहा है, जिद नहीं सर, जो है सर कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सर, 3 बजे से लगातार हम लोग बैठे आ रहे हैं, कलेक्टर साहब बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, मतलब क्या निकल रहा है? हम जितने के लिए उतने कोई दिक्कत नहीं सर, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप हमको दे दें, और आपको जब भी चर्चा करना हो तो आप कल सुबह आ जाइए, बैठ जाइए। साथियों, कलेक्टर साहब आना नहीं चाहते, डीएम साहब को भेजा गया है उनकी बात को लेके, लेकिन डीएम साहब आना नहीं चाहते। हम लोग ये चाहते हैं, हम आपसे तो सर, आपने कुछ काम है? नहीं नहीं, हम मैं भी जितनी बार मैं आया आपने ना किया, हम बाकी मान सर ना, हम लोग नहीं कर रहे, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ सर, हम लोग दे दीजिए, कल बैठ लीजिए साहब के साथ, सभी लोग कितने लोग चयन कर लीजिए, 15 लोग 20 लोग बैठ जाइए, चर्चा हो जाएगी, हो सकता है कल भी यही हो, टाइम देंगे, टाइम आज भी दे रहे हैं, तो बिल्कुल आ जाए ना सर, आज ही कर, बिल्कुल बिल्कुल आ जाए, बस सुनी की वेटिंग में हम लोग अभी है ना, तक हम लोग हैं, नहीं गए, जाने दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर साहब चले गए, नहीं है ना, इससे बात करनी वहाँ जी, इससे बात करनी अंदर वहाँ, अरे आज की बात नहीं, हम आपको तो मैं 10 बार आके आपसे निवेदन किया, चलिए सब लोग बात कर लीजिए, किन से बात करें, यही बात होगी, मीटिंग चल रही थी, नहीं आ पाया, जो भी उनके बारे में नहीं बोल सकता, मैं अपने पद का निर्माण कर रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत नहीं सर, आपको अंतिम बार फिर निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग ज्ञापन दे सकते हैं, हम लोग चर्चा कर लें, फिर हम आपको अपने निर्णय बता देंगे, ठीक है ना, 5 मिनट बाद हम आपको निर्णय बता देंगे, जो भी होगा हम लोग आप देखिए, आप कोई दिक्कत नहीं, बैठ लेते पूरे तरह, हम लोग लेकर कलेक्टर साहब अंदर है कि चले हैं भाई, अभी तो आप बोलेंगे 20 लोग चलिए, 20 लोग चलिए, ये तो पहले की बात हो रही है, हम 5 बार आपको पैसे,
हाँ हाँ अभी अभी 15 मिनट पहले की बात है बिल्कुल। नहीं भाई आप कहाँ बात कर रहे हैं सर, हम लोग 3 बजे से न कलेक्टर साहब को हम लोग देना चाहते थे ना, आप नहीं देना चाहते, आप ज्ञापन नहीं देना चाहते। जब सुनाने के लिए जिनको हम बताना चाह रहे हैं तो है नहीं, तो क्या मतलब का ज्ञापन देने से मतलब क्या होगा? कह रहे हैं कि आप पूरे जिले भर की क्या आप वो केवल जिम्मेदारी लेंगे, इस तरह से अमानवीय कृत्य घटना ना होगी। भाई चर्चा के साहब कह रहे हैं जो कला के बैठी थी आप सर, जो लोग कार्रवाई नहीं हुई ये इलाहाबाद से आए हुए हैं, जो भी दिया वो कार्रवाई हुई होगी, आपको पता नहीं हुई, आपको पता ही नहीं दिया गया नहीं दिया गया, आपको जानकारी नहीं है, पूरे दान डाल दिए। ठीक है आप नहीं, नहीं देना चाहते हैं सीधी का एक ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है साथियों, उसमें सभी आप लोग को संघर्ष करना है और इस तानाशाह सरकार को जिस प्रकार से हम आदिवासी समाज ताकतवर हैं उस प्रकार से उस ताकत से हम इस तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंकने की क्षमता भी रखते हैं। तो साथियों ये उलगुलान हम लोग का जारी रहेगा। साथियों आज इतने बड़े आंदोलन का हिस्सा हम सभी साथी बने और हम लोग इतने जनसंख्या के साथ आए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने, तो कलेक्टर साहब ज्ञापन लेने को तैयार नहीं, अपने कर्मचारियों को बार बार बाहर समझौते के लिए भेज रहा है लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं हैं। साथियों जब इतने बड़े समाज एक अच्छे समाज का समाज की बात नहीं सुन रही है तो एक अकेला व्यक्ति अगर जो हमारे समाज का आएगा और अपनी आवाज़ को यहाँ रखेगा उसका कोई मतलब नहीं निकालते। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बैठी बैठी बार बार पुलिस वालों के द्वारा समझौता के लिए भेजा जा रहा है डीएम के द्वारा, लेकिन डीएम अपनी कुर्सी से अपनी एसी से बाहर निकलना नहीं चाहते। साथ अभी लोगों से कुछ लोगों से जो बुद्धिजीवियों से चर्चा करने के बाद ये हम लोग निर्णय पर पहुंचे हैं कि यहाँ का कलेक्टर और यहाँ का प्रशासन जनता का नहीं है, यहाँ का कलेक्टर यहाँ का प्रशासन केवल विधायक और सांसद का है और हमारे हम जो टैक्स पे करते हैं हम लोग जो सामान खरीदते हैं उसके हमारे पैसे जो उनको तनख्वाह मिलती है लेकिन वो हमारे जो है वो सेवक नहीं है, केवल विधायक और सांसद हो गया है। तो हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि ये ज्ञापन बाबा भीमराव अम्बेडकर ऊपर चढ़ा करके और हम जाते हैं और ये कहना चाहेंगे इनसे कि इनको जो है आने वाले समय में इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम ये कहेंगे कि इन लोग ऐसे जो प्रशासन को जो है यहाँ रहने लायक तो नहीं है। बिल्कुल क्या कहेंगे आप लोग? बिल्कुल सही। जब अंधी बहरी गोरी गूंगी सरकार के साथ साथ में प्रशासन हो जाए तो फिर इनके सामने जो है हम लोग को घुटने नहीं टेकना चाहिए। और ये भी चेतावनी देते हैं कि जब आज अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारे सीधी जिले के लोग जो गरीब दलित और जो ओबीसी के लोग जो है और दबे कुचले लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आइंदा भविष्य में अगर इस तरह से अत्याचार होगा तो पूरे सीधी जिले में जो है हम लोग तहलका मचा के दिखाएंगे। और हम ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जवाब चाहेंगे उस प्रकार से जवाब हम लोग देने के तैयार रहेंगे। तैयार है कि नहीं है? और ये जो निर्णय लिया गया है कि ज्ञापन को अब सरकार को सौंपने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गुंडों को सुरक्षा देने वाले सरकार है प्रशासन, ये प्रशासन
ये प्रशासन जो है आरोपियों को संरक्षण देने वाली सरकार प्रशासन है, तो हम लोग इनके सामने जो घुटने टेकने वाले नहीं है, अब ज्ञापन इनको नहीं देंगे। सही है कि गलत है? सही है। ठीक है ना? बिरला मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप लोग सहमत है? भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। साथियों, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि शासन प्रशासन द्वारा हम लोग को ज्ञापन नहीं लिया गया, तो हमारे सभी युवा साथी संगठन के सभी लोग यहाँ भीमराव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में ज्ञापन रख के सरकार से, निकम्मी सरकार, निकम्मी प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही है। साथियों, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि आज हम लोग यहाँ पर सभी लोगों ने जिस प्रकार से आज देखा है प्रशासन का रवैया, हम लोगों ने जन आक्रोश रैली किया, पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आए थे, पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं देश के लोग आए थे, और यहाँ पर एक बात हम लोग कहने के लिए आए थे, ये संदेश देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि अपनी बातों को लेकर हम लोग कलेक्टर के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। इन बातों के साथ हम लोगों ने तीन दिवस पहले ही ज्ञापन परमिशन ले लिया था, और माननीय कलेक्टर साहब को इस बात में पहले ही जानकारी दी जा रही थी कि आदिवासी समाज के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को अवगत कराना चाहते हैं। ये हम आपको बता दें कि हम लोगों ने हजारों के लोग वहां पर मौजूद थे, पूजा पार्क में बड़ा कार्यक्रम था, और आप देखते हैं कि पूरे समाज का जिस प्रकार से अपमान मान कलेक्टर यहाँ के जो कलेक्टर ने किया है, हम लोगों ने ज्ञापन पत्र हम लोगों का जो था यहाँ का विभिन्न मांगों के साथ हम लोग माननीय कलेक्टर के साथ यहाँ पर बैठे थे बाहर कलेक्टर गेट के बाहर, लेकिन कलेक्टर मिलने से नहीं आए, तो लगभग 4-5 घंटे हम लोग इंतजार किए। 5 घंटे इंतजार करने के बाद भी इस प्रकार से आज आदिवासी समाज का यह अपमान किया जा रहा है। यह पूरी पूरी तरह से आदिवासी विरोधी सरकार है। ये जो कलेक्टर यहाँ के हैं, ये पूरी तरह से सरकार के नुमाइंदे बनने का काम कर रहे हैं, ये सरकार के कठपुतली बनने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये साहब, ये सरकारें आती है जाती है, आप मैं आपको बता दूं कि सरकारों में सरकारें आती है जाती रहेंगी, लेकिन आप का जो पद है ये बहुत ही गरिमापूर्ण पद होता है, गरिमापूर्ण पद है, और हम लोगों ने तमाम साथियों के ने ये निर्णय लिया, तमाम साथियों ने यह निर्णय लिया है कि जो ये मांग पत्र जो हम लोगों ने ज्ञापन पत्र माननीय कलेक्टर के समक्ष, माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर जो माननीय कलेक्टर के सामने हम लोग रखना चाहते थे, वो सब मांग हम लोग आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सौंप कर इस बात को बताना चाहेंगे कि सीधी जिले में जो यहाँ का जो स्थानीय कलेक्टर, यहाँ के जो कलेक्टर है, ये पूरी तरह से आदिवासी विरोधी है। इस बात का हमें आज जवाब मिल गया है। साथियों, हम लोग ये कहना चाहते हैं, जिला प्रशासन को हम लोग कहना चाहते हैं, कलेक्टर को ये कहना चाहते हैं कि आपने संविधान की शपथ ली है, और जब आप संविधान की शपथ ली है तो संविधान के अनुरूप आप करने का काम नहीं कर रहे हैं। आप जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। हम लोग आपको सुनाना चाहते थे कि हम लोग इतना दूर से आए हुए हैं, देखिए ज्ञापन तो देते हैं लेकिन आप लोग जो है सुनते नहीं है, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि आप जिले के मुखिया हैं और हमारे यहाँ पे सरपंच भाई बैठे हैं अड़खुरी के और मड़वा के, इनके ऊपर जो इस तरह से अत्याचार होता है, क्या इस देश में क्या दो प्रकार का विधान है कि एक आरोपी के लिए अलग विधान और जो है जो पीड़ित है उसके लिए अलग विधान, ये कौन सा गलत काम किया है, कौन सा ऐसा जो इन्होंने किया है और इस तरह से इनको प्रताड़ना की जाती है। और हम लोग आज ये आह्वान करते हैं और ये चेतावनी देते हैं
कि इस तरह से जो है भविष्य में दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा जो है ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा प्रदेश का, पूरे देश का जो है सभी आदिवासी समाज, SC का समाज, OBC समाज मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये भी कहते हैं कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब अगर आपकी अगर नैतिकता मर चुकी है, आपकी ज्यादा जवाबदेही आपकी मर चुकी है और आपने जो आप निष्ठा का आपने जो शपथ लिया था अगर वो अगर मर चुका है तो मेरी समझता कि आपने संविधान की शपथ ली है और आप जनता के साथ न्याय करिए। आप जो है विधायक आदमी नहीं है, विधायक के कार्यकर्ता नहीं है, जनता के नौकर है। आप जो है सांसद के नौकर नहीं है, जनता के नौकर है। जनता आपको पैसा देती है तब आपको तनख्वाह मिलता है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप नहीं सुने को कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि आप अंधेरे से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हम आपको जो है रूबरू होकर आपके आमने सामने मिलकर हम आपसे अपना पीड़ा कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से जो है घटनाएं हो रही है सिटी में, तो इस तरह से घटना ना हो, लेकिन नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये ज्ञापन अब अम्बेडकर जी के चरणों में समर्पित करेंगे और हम लोग अपने जगह जाएंगे और भविष्य में अगर इस तरह से घटना होगी तो सभी लोग जो इकट्ठा होकर के मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये भी कह रहे हैं जैसे सीमांशु ने कहा कि प्रशासन जो कर्मचारी है, लोक सेवक है, वो किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, वो विधायक वो संविधान का वो होना चाहिए, संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए, किसी विधायक सांसद मंत्री के हिसाब से नहीं करना चाहिए। लेकिन आज देख लिए कि सीधी का कलेक्टर जो है शुक्ला, विधायक केदारनाथ शुक्ला के इशारे पे काम करते हैं, सांसद के इशारों पे काम करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के जो इशारों पे काम करते हैं, जो कि आने वाले समय में ये सीधी जिले के जनता और पूरे आवाम पूरे प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी और इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से आपको सत्ता से बेदखल करके और आपको जो है नीचे जमीन में बैठाने का काम करेगी। बिल्कुल करेगी। हम लोग अभी बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा बनेंगे जरूर साथियों, हम प्रशासन से डरने वाले नहीं है बिल्कुल। मुर्दाबाद 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 शर्म करो 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को लिखा है भैया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को लिखी है और जिसको ये पूरा विश्व जो है ये जानता है कि भारत देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे बड़ा है और इस इनके संविधान के अनुरूप जो देश चलता है और उस संविधान को नहीं मानते कलेक्टर को, तो हम चाहेंगे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर उनको जो है सद्बुद्धि दे और अगर उनके अंदर कोई थोड़ी सी भी अगर नैतिकता बची है तो जनता के साथ न्याय करे। और इसी साथ हम लोग जो ज्ञापन जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिरसा की विरासत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिरसा मुंडा अमर रहे अमर रहे अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे अमर रहे अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जन आक्रोश को सफल बनाने के लिए आप सभी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सभी साथियों को जैसे आप लोग सभी ने लाइव को देखा और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारी सीधी की निकम्मी प्रशासन हमारी अगर कोई प्रताड़ित करता है तो आप सब लोग विज्ञापन को नहीं दिया गया साथी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कोई तैयार रहेंगे अगले डेट के लिए, अगले डेट के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे, एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा, पूरा सीधी चक्का जाम होना चाहिए मेरे साथियों। गुंडों को संरक्षण देना बंद करो बंद करो बंद करो, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीधी प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ, सीधी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीधी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ठीक है धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों को लाइव में जुड़ने के लिए मेरे साथियों, और सभी के पास मैसेज चला जाएगा एक डेट फिक्स होकर के। और साथियों विश्व आदिवासी दिवस की एक बहुत बड़ी तैयारी होनी चाहिए जो कि मेरा अभय सिंह कुशरो
भाई से बड़े भाई मैं छोटा हड़बड़ो ना नहीं कठास लाइव में सभी साथियों को जुड़ने के लिए सेवा जोहार सत सेवा जोहार साथियों आप लोग इस कार्यक्रम में इस आंदोलन का हिस्सा आप लोगों ने बना और जैसे कि बढ़ती अत्याचार के खिलाफ हम सभी आदिवासी संगठन एक साथ हुए ये निकम्मी शासन जैसे कि आप लोग को मैं दिखा दूं ये जो हमारे नंबर सेव है तुम कर लीजिए एग्जाम से क्लिक भेज देना भाई